तीन। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, देखिए आज हम बना रहे हैं पत्ता गोभी की पकोड़े बनाएंगे। तो इसमें सामग्री रहेगी अपनी, मतलब कि देखिए पत्ता गोभी, और मैंने धनिया काट चुकी हूँ, एंजल काट रही थी इसलिए ऐसा कर दी है। और इसमें हरी मिर्च डालेंगे हम, और ये प्याज काट लेंगे इतनी, क्योंकि पकौड़े में प्याज ज़्यादा डालो तो मतलब स्वादिष्ट बनते हैं। तो देखिए हम इसे बारीक बारीक काट लेंगे पत्ता गोभी को, और फिर हरी मिर्च बारीक बारीक और प्याज, और दिखाते हैं हम आपको पत्ता गोभी के पकौड़े, बहुत ही स्वादिष्ट, मतलब खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो देखिए हम इसे बारीक बारीक काट लेते हैं, फिर दिखाते हैं हम आपको पकौड़े। तो देखिए गाइस, हमने अब चूल्हा जला लिए हैं और हम रख रहे हैं कढ़ाई, इसमें डालेंगे ऑयल और हम बना रहे हैं पकौड़े। गाइस देखिए, अब ये हमने ये पत्ता गोभी और ये हरी धनिया और प्याज, और इसमें थोड़ी सी हम डाल लेंगे मिर्ची पाउडर, धनिया, जीरा, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे इसमें। और ये एक कटोरी बेसन मिलाएंगे इसी में, थोड़ा सा गेहूं का आटा इसलिए डालेंगे ताकि ये नरम बने अच्छे से। और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। और इसे हम मिला लेंगे अच्छे से। और नहीं बता, एक थोड़ा सा काला नमक डालेंगे इसमें। ले ले, और थोड़ा सा अजवाइन भी डालेंगे इसमें। आज की रेसिपी बहुत स्वादिष्ट बनने वाली है, क्योंकि पत्ते गोभी की पकौड़े जो है ना बहुत स्वादिष्ट बनती है और लगती भी है खाने में मस्त। तो इस तरीके से मंगोड़े पकौड़े की तरह छोटे छोटे भाग में हम इसे तोड़ देंगे। मस्त कुरकुरे बनते हैं पत्ते गोभी के पकोड़े। और हल्का हल्का बारिश का मौसम है, तो इस समय में ऐसे पकोड़े खाने का मजा ही कुछ और है। बहुत मस्त कुरकुरे बने हुए हैं ये।
और जैसे खाते हैं ना तो वैसे कुरकुरे की आवाज भी आती है और आप देख सकते हैं और बारिश के मौसम में तो बहुत ही अच्छा कहना चाहिए। आप भी बनाइए कभी, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये देखिए। और ये ऐसे इसके अंदर पत्ता गोभी, गट्टा गोभी जिसे कहते हैं वो है, और प्याज है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी बहुत मस्त कहना चाहिए। हाँ बताओ, देखिए अंजू भी कितने मजे से खा रही है। हाँ ना अंजू, अच्छा लगा ना? बहुत पसंद है एंजल को तो, बहुत ज्यादा पसंद है। और आर्या खा रहा दाल चावल। देखो पीड़ा कहाँ, बच जाओ। तो बहुत ही मजा आ गया, तीखा भी अच्छा है, मिर्ची डली है अच्छी, एकदम नमकीन है। तो फाइनली देख रहे हैं आप, आर्य की मम्मी बनाते जा रही है पकोड़े और हम खाते जा रहे हैं। देख रहे हैं आप, बहुत मजा आ रहा है हमको खाने में, कहना चाहिए बहुत सारा। मैंने तो पेट भर खा लिया। एंजल गिर गई अभी वहाँ पर फर्श में लिपट के, इसलिए मैं उसको उठाने चला गया, इसलिए एंजू रो रही है हमारी, है ना एंजू, है ना। और अभी इतने सारे पकोड़े बन चुके हैं और बहुत सारे पकोड़े और एक मम्मी ने बना ली है, कहना चाहिए ये देखिए। और अभी हमको जाना है स्कूल और बैंक के काम से। इतने सारे मैंने पकोड़े बना चुकी हूँ और मुझे स्कूल जाना है। और कभी बांधकर ब्लॉग को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट्स करें, बताइए कि कैसे लगे पकौड़े देख के और हमारी रेसिपी कैसी लगी, ये हमें जरूर बताएं। बाय दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। आर्या चला गया है स्कूल अभी, बाय। तो वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट्स करके बताइए कि कैसे लग रहे हैं हमारे पकोड़े। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें गाइस। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कभी बांधकर ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें आप, सब्सक्राइब बढ़ाएं, हमारा आत्मबल बढ़ेगा तो हम इससे भी और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। बाय बाय बाय।